कहे जाने वाले शाहरुख खान को सोमवार की शाम डावोस में चल रहे 48वें वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम WEF में 24वें क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें ये अवार्ड देश में महिलाओं और बच्चों के हक में कैंपेन चलाने के लिए दिया गया है। एक्ट्रेस डायरेक्टर केट बैंचलेट और सिंगर एल्टन को भी इस दौरान अवार्ड दिए गए। इस खास मौके पर किंग खान ने अपनी स्पीच से पूरे देश का दिल जीत लिया। शाहरुख ने कहा, मैं वाकई दिल से इस अवार्ड के लिए शुक्रगुजार हूं। इतना ही नहीं, शाहरुख ने इस थैंकिंग स्पीच का अंत नमस्कार और जय हिंद कहकर किया। कहना गलत नहीं होगा कि किंग खान ने विदेश में जय हिंद का नारा लगाकर पूरे देश को एक तोहफा सा दे दिया है। WEF समिट में समाज सेवा में आपके योगदान के लिए अवार्ड दिया जाता है। बता दें, शाहरुख मीर फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जो एसिड अटैक विक्टिम्स को सपोर्ट करती है। साथ ही एसिड अटैक में गंभीर तौर पर जल चुकी महिलाओं की सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट समेत कानूनी मदद, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने, रिहैबिलिटेशन में भी मदद करती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक लिए देखते रहिए NMF News।